पाकिस्तान अभी राजनीतिक संकट के साथ आर्थिक संकट का भी सामना कर रहा है। अगर भारत और पाकिस्तान की स्थितियों में फर्क देखें तो भारत की स्थिति कई मायनों में ठीक है। आपने भारत और पाकिस्तान के बीच कई चीज़ों में अंतर देखा होगा और पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन क्या आप पाकिस्तान की करेंसी के बारे में जानते हैं कि वो भारत से कितनी अलग है? जिस तरह भारत में 2000 रुपये का सबसे बड़ा नोट होता है, ऐसे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट कितने रुपये का है? इसके अलावा ये भी जानना दिलचस्प होगी कि पाकिस्तान की करेंसी भारत के सामने कहाँ ठहरती है। ऐसे में आज हम आपको पाकिस्तान की करेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह के नोट होते हैं, साथ ही ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान के नोट और हिंदुस्तान के नोट में कितना फ़र्क है, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान की करेंसी की क्या स्थिति है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ भारत में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये का नोट चलन में है, वहीं पाकिस्तान में भी भारत से मिलती जुलती व्यवस्था ही है, मगर वहाँ भारत से ज़्यादा नोट चलन में है। बता दें कि भारत में कुछ साल पहले 1000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया था, जबकि 2000 रुपये का नोट शुरू किया गया है। यानी भारत में 500 रुपये के बाद 2000 रुपये का नोट है। वही पाकिस्तान के स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार वहाँ 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये और 5000 रुपये का नोट चलन में है। यानी वहाँ 5000 रुपये का नोट सबसे बड़ा नोट है। आपने देखा होगा कि भारत के नोट में गांधी जी की तस्वीर लगी होती है, वहीं पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की शेरवानी पहने एक तस्वीर लगी होती है। जिन्ना की फ़ोटो नोट के सामने वाले हिस्से में लगी होती है। जिस तरह भारत में नकली नोटों की छपाई को रोकने के लिए कई सुरक्षा फीचर इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान के नोटों में भी सुरक्षा फीचर्स है। पाकिस्तान की तुलना में भारत का रुपया काफ़ी मजबूत है। भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 2.58 रुपये के बराबर है। यानी अगर आप कभी पाकिस्तान में जाते हैं तो आपको पाकिस्तानियों से आधे पैसे चुकाने होंगे। वहाँ 10 रुपये में मिलने वाला सामान आप करीब 4 रुपये में खरीद पाएंगे। डॉलर के हिसाब से तुलना करें तो एक अमेरिकी डॉलर के सामने पाकिस्तान रुपये की वैल्यू 168.82 रुपये है। अगर 2000 रुपये के हिसाब से देखें तो हमारे 2000 रुपये का नोट वहाँ 5154 रुपये के बराबर है। अगर नोट की बात करें तो हमारे यहाँ के नोट पर हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी लिखी होती है, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी में उर्दू में जानकारी लिखी होती है। इसमें उर्दू में सबसे ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा होता है, इसके नीचे वचन वाक्य और गारंटी वाक्य लिखा होता है, इसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा होता है और साइन भी होते हैं। पाकिस्तान के नोट में कई सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जिसमें वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड भी होते हैं, साथ ही एंटी स्कैन और एंटी कॉपी नोट बनाए जाते हैं, जिससे ना ही स्कैन किया जा सकता है और ना ही इसके फोटोकॉपी की जा सकती है। वही नोट के पिछले हिस्से में भारत की तरह ही पाकिस्तान की किसी ऐतिहासिक स्थान की फोटो लगी होती है। आई होप आपको पाकिस्तान के करेंसी नोट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।